और वेलकम टू हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये सीतामढ़ी के हम बगही मंदिर आए हैं, हम और हमारे मित्र धनंजय जी। आप हम दिखाते हैं ये इसमें चलिए, और हम माइक हमारा नहीं है इसमें लगा हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं और जगह आपको दीजिए, आप संभालिए, हम कमेंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण दास महाराज जी की, और इन्हीं का देन है कि यहाँ ये बगही धाम और ये जो है पूरा बहुत फेमस है। मूर्ति आप देख लें, अगर इस मंदिर में आप आएंगे सीतामढ़ी के एरिया के बगही धाम में, तो ये आपको इनका प्रतिमा लगा हुआ है। ये है, आप आगे दिखाएं, आगे दीजिए पहले अपना परिचय। और नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप हमारे ब्लॉग में है, हमारे साथ धनंजय जी और कैमरे के जो मूर्चा है उन्होंने संभाला है, जबरदस्त कैमरा मतलब शौक है, पैसन दिख रहा है उनका। और आज हम लोग बगही धाम आए हैं, ऐसे ही घूमने आए, छोटा सा ब्लॉग सोच रहे हैं कि बना लें, हालांकि हमें भी पता है कि शायद उतना अच्छा ना बने। अभी मैंने आपको दिखाया ये सब दास जी महाराज जी थे, और वहाँ जो आप देखेंगे उधर वो मंदिर आप देखेंगे, उधर का लोकेशन देखिए बहुत ही लुभावना दिश है यहाँ का, लेकिन वहाँ जो देखेंगे शिव मंदिर है सामने, वो मंदिर वो है देखिए यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, 108 रूम बने हुए हैं और बने हुए हैं। हाँ, बहुत दर्शक को मतलब बहुत पहले बने हुए हैं, और ये एग्जैक्ट डिटेल मैं निकाल के आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत पहले और 108 है। ऐसे होता है कि नहीं, 108 रूम में हमारे यहाँ कीर्तन भजन होता है, इसलिए 108 रूम ही बना दिया गया था, अभी ऊपर जाने अलाउ नहीं है, तो हम आपको ले जाते हैं। और उसके बाद एक मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये बात है, जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ पे सीताराम नाम जप महायज्ञ लगभग पिछले कई सालों से भी, मैं आपके तो हम इतना इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम एग्जैक्टली आ गए हैं। तो अब हम आपको आइए ले चलते हैं यहाँ पे, आप आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा किस तरह, हो सकता है कि आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे क्योंकि हमारे पास माइक भी नहीं है। यहाँ पे जो है ये उनको दिखाइए, उनको दिखाइए, जब से मंदिर बना हुआ है तब से सीताराम नाम कीर्तन होते आ रहा है। अच्छा चलिए ना बता देते, मतलब सेल्फी में कर लीजिए, शॉर्ट को काट लीजिए ना, शॉर्ट को काट लीजिए, रुक दे। हाँ, कैंपस में भी आगे चलो, जैसे मैंने बताया जो सीताराम नाम जप महायज्ञ देख रहे हैं, इसको पोर्ट्रेट मत करते ही नहीं, सीताराम नाम जप महायज्ञ देख रहे हैं, जब से मंदिर बना है तब से कभी भी सीताराम नाम जप महायज्ञ बंद हुआ ही नहीं है, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। आगे आपको दिखा दें मंदिर का कैंपस है, ये 108 जो मतलब रूम थे वो बने हुए थे, और जब से मंदिर है तब से वहाँ पर सीताराम नाम जप महायज्ञ हो रहा है। आगे उस मंदिर का अपना गौशाला है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आए हमारे मित्र यहाँ से आकर एक हमारे मित्र से मिलने का मौका मिल गया हम लोगों को, और फिर आके मिलते हैं, हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, हमारे मित्र मिल गए, ये यहाँ से ब्लॉग कर रहे हैं। आप बताइए मंदिर के बारे में कब से हो रहा है, सीताराम मंदिर में ये 64 से चल रहा है, 1964 से, मतलब जब से मंदिर बना तब से सीताराम लगातार 60 वर्षों से लगभग यही अद्वितीय बात है। हाँ, ये चलते आ रहा है, इसमें 60 के लिए अभी बंद कर दिया गया, बहुत ही अद्वितीय बात है। हाँ, तो ये हमारे मित्र, अब हमें लगता है चलिए इनके मित्र से कुछ तो दर्शकों को फायदा हो जाएगा, हम लोग हमें जाकर देखने का मौका मिला, देख सकते हैं 108 रूम में हम लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा जर्जर व्यवस्था में है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, पब्लिकली बंद कर दिया गया हुआ है, लेकिन हमारे मित्र यहाँ के हैं तो
वो हमें लगता है कि इनको विजिटिंग दिलवा दे, तो ऊपर हम चलेंगे थोड़ी देर में। हाँ, जो भी देख रहे हैं उनको एक बार बोल दीजिए एक बार कम से कम यहाँ आकर विजिट कर लें। हाँ, आप सीतामढ़ी में हैं तो बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। सीतामढ़ी के लगभग आइए, सीतामढ़ी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको हम 108 में जो रूम है वो दिखा देते हैं, तो किस्मत से हमारे मित्र मिल गए हैं, वो हमको थोड़ा दिलवा देंगे। जैसे बंद है लड़िए हमारे दोस्त में, वैसे राम का काम में हमेशा थोड़ा अच्छा आ रहा है, इनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारा भी आराम सबका आ रहा है। धीरे धीरे आप 108 रूम देखेंगे तो समझ में आएगा। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो बोल दीजिए दर्शकों को एकदम ध्यान पूर्वक आए सावधानी से। देखिए 108 में हम लोग 66वें रूम पे हैं और एक रूम 66 में है, इस तरह से चल रहा है। आइए हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से ये लीजिए नजारा, बहुत ही भव्य नजारा है। बड़ा करिए ना, यहाँ से बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ का। यहाँ पे आपको अगर आते हैं तो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र को जो सीतामढ़ी ग्रामीण क्षेत्र है उसको देखने का नज़ारा काफ़ी उठा सकते हैं। और सामने जो दिख रहा है छोटा सा रूप दिख रहा है, इसमें क्या है गौशाला है, बहुत सारे गाय को यहाँ पाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, लोग बहुत आगे निकल गए हैं जिसे रुकेगा। ये मंदिर कैंपस हम लोग ऊपर से हैं और ये मंदिर कैंपस का तालाब है। और ये जो है यहाँ पे कौन लोग रहते हैं भाई, मतलब मंदिर के लोग स्टाफ लोग होते हैं, संत लोग रहते हैं। और यहाँ पे आकर जो शांति मिलेगा ना, दुनिया का सारा शांति एक तरफ और यहाँ का शांति एक तरफ। अभी भी मतलब मौसम बारिश की तरह है, इतना मजा आ रहा है। आप मतलब ये मजा आपको एसी वाले रूम में पता ही नहीं आ सकता। आप देख लीजिए, आप सेल्फी ले लीजिए, हम तीनों आदमी हम लोग यहाँ से हैं। ये मंदिर का ना मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, ये जहाँ 108 रूम है उसके बगल वाला। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, शिव
शिव मंदिर है ये, वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। अच्छा वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है, ये मंदिर कैंपस में जस्ट बगल में ये देखिए, और उसमें भी हम चलेंगे। मंदिर है उसका, जिससे हम राउंड राउंड चल रहे उसके बीच का पोर्शन है, नीचे चलेंगे तो उसको आपको हम दिखा देंगे साइज इस तरह से। अगर आप घर के आसपास अगर आप देखेंगे तो पानी टंकी कभी देखेंगे, उस साइज का आर्किटेक्चर है, लेकिन यहाँ का ये अट्रैक्शन का केंद्र है और लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आप शहर से हैं और शहर में रहते हैं तो उसका कारण है कि आप पानी का बोतल लेकर आएंगे, क्योंकि इतना ऊँचाई है आपको चढ़ते चढ़ते दम भूल जाना है। हाँ, गांव के लोग ऐसे ही फान जाते हैं, उनका आदत है, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन शहर वाले पानी का बोतल। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही फेमस है, और सबसे पहली बात कि सीतामढ़ी के जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे भी अनुरोध है कि जितना ही फेमस है ये आपका काम बनता है कि और इसको आगे बढ़ाया जाए और वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाया जाए पर्यटक स्थल पे। सीतामढ़ी माता जन्म सीता का जन्म स्थल ही है बाकी धाम, लेकिन इसको लोग नेता लोग नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं। और ये उसी कैंपस का जो है घूम रहे हैं, हाँ, जो आप ऑलरेडी देखते होंगे जो मंदिर का बीच वाला कैंपस है, अब सामने वाला करके ना पूरा ले लीजिए। चलिए आप लोग चलिए 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 चलते रहिए। ये देखिए ये जो है पूरा आप सब में देख सकते हैं, हमारे पास उतना महंगा कैमरा नहीं है कि हम आपको पूरा दिखा सके और आप समझ सकें, लेकिन अगर आप आइएगा तो इसमें मज़ा आने वाला है। और इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं वो गोले वाले में, मतलब इसका एक अंधेरा कायम रहे, हालांकि अंधेरा नहीं है, बारिश लगा हुआ है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं इसमें गोले वाले में, समझ रहे हैं, तो सीतामढ़ी में है तो आइए एक बार यहाँ पे, कुछ आए ना शांति जरूर मिलेगी आपको, और एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है, होता है यहाँ ज्यादा शांति, बहुत शांति है भाई। आप एग्जाम में फेल हो जाए तो यहाँ आ सकते हैं, शांति मिलेगी, एग्जाम में पास होना फिर भी आ सकते हैं, शक्ति भी मिलती है, और बहुत सारा डिप्रेशन है अभी के यंग पीढ़ी को, तो डिप्रेशन है ही है। अच्छा ये यज्ञ वर्ग के समय के ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, प्रतिवर्ष जो होते हैं उन्हीं का मूर्ति सब बचे हुए हैं, तो आप दर्शन करिए। अभी ये देखिए ये गोले गोले चलते चलिए चलते चलिए, आराम से आइए, सर नीचे करके आइएगा, और ना ज्यादा कुछ नहीं होगा, चोट लगेगा उससे ज्यादा क्या होगा, मतलब ठीक है। और हम सबसे टॉप फ्लोर पे हम चल रहे हैं और सभी लोग चल रहे हैं, ये किस्मत का बात है कि मिल गए हैं, अब यहाँ से शॉट लिया जाए। और ये आए हम लोग टॉप फ्लोर पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये मंदिर का गोला वाला भाग बीच में, और ये इस तरह से यहाँ से बीच में ये आएगा, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया, ये बारिश हो गया होता, लोग को ही बताया कि अपने जिला में भी पर्यटक स्थल भी और तपस स्थली भी दोनों है, दोनों
बगही बाबा ने जो तपस्या किया था उनके फलस्वरूप इसका निर्माण किया गया और बहुत ही अच्छे जगह पे और शांतिपूर्ण जगह है। तो सब लोगों से आग्रह यही कि आए और नहीं कह दीजिए, कह दीजिए कम से कम आने के लिए। आप चाहते लोग आए आए इनका कहना बहुत आराम से, बस आप आ जाइए, बाकी आप खुद समझ जाइए। इनका कहना है, और ये यहाँ पे कितना बढ़िया मजा आ रहा है भाई। ये देखिए बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, और ये यहाँ पे सीताराम जब महायक का मतलब सौभाग्य भाई की गांव है, यही है, मजा आता होगा यहाँ पे आके। हालांकि हम लोग भी सौभाग्य सीतामढ़ी में है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खास है। यहाँ पे आज सेल्फी में ले लीजिए, उस ट्राइपॉड में लगे। मंदिर हमने आपको घुमाया, प्रोफेशनली कैमरा हमारे पास नहीं, लेकिन इसे हम कोशिश करेंगे आपको घुमाने का। और ये हमारे भाई जो हैं, हमारे मित्र भाई, आप ही हम गौशाला घूमेंगे यहाँ का। गौशाला बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार पहले भी आए थे लेकिन हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिला, और अभी चल के आप यहाँ का गौशाला देख सकते हैं। आइए धनंजय बॉस, देखा जाए गौशाला। मतलब प्रधानमंत्री जो कहते हैं हमारे, सब कुछ यहाँ पे गौशाला। किसी कार्य के लिए यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर भी है आधुनिक तरीके से। देखिए गर्मी है, लाइट समझ में नहीं आया। ये देखिए मतलब ये किसी कार्य के लिए सारा कुछ है। और आगे अच्छा भंडार रूम का क्या सीन है, मतलब भंडार रूम में वही तो यहाँ पे जैसे मतलब प्रसाद बनता है, तो रोज सबके लिए बनता है, मतलब जो भी लोग आए, जो भी लोग आए, कितने लोग लगभग रोज, लगभग रोज 400-500 लोग, रोज 400-500 लोग आते ही आते हैं। अच्छा टाइमिंग क्या, मतलब पूरा दिन प्रसाद, पूरे दिन जब भी आ जाए आप। अच्छा अच्छा, तो ये 10 बजे प्रसाद मिलता है, तो वहाँ बहुत अच्छी बात है। लोग पाँच मतलब रोज 500-700 लोगों का लगभग तकरीबन, और मतलब जैसे अभी सावन का महीना है, या फिर अभी तो कोरोना के चलते थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन सावन का महीना है या फिर यहाँ जो पर्व उसमें तो और ज्यादा आते होंगे लोग, सब मतलब भीड़ बढ़ जाती होगी, भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती। अच्छा ये कार्यालय का नंबर है ना, ये देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा मंदिर कैंपस है। और हम अब यहाँ पे जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ पे हम अब एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए ये भंडारण रूम है, यहाँ पे तकरीबन ये देखिए यहाँ पे जो आलू का स्टॉक पड़ा हुआ है, और आगे मतलब प्रतिदिन तकरीबन
500-700 आदमी का, मतलब जो भी यहाँ पे मंदिर पे आएंगे वो यहाँ से, आप ही हैं? अच्छा, मतलब आप ही यहाँ का सब कुछ देखते हैं, भंडार वंडार आप ही बनाते हैं? भंडारी बाबा हैं आप? अच्छा, बढ़िया। तो मतलब सब लोग, मैं मंदिर के मैनेजमेंट मतलब काफी बढ़िया है। अभी आप इसके भंडार रूम में है, मतलब यहीं पे लोग अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और स्वच्छता देख सकते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन जिसे आप कहते हैं, पूरा क्लीन है। और मतलब और अच्छा अच्छा बाल भोग यानी कि चूरद है। अच्छा 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 मतलब अच्छा सुबह के नाश्ता को बाल भोग और दोपहर के खाने को प्रसाद, बाकी सब प्रसाद, फिर रात के खाने को भोग लग नहीं है वाला है। अच्छा, रात के राजभोग। अच्छा, इनको सारा मतलब मंदिर के बगल में घर होने से इनको सब कुछ पता है। सुबह को बाल भोग, दोपहर में प्रसाद और रात को राजभोग। और ये यहाँ पे यहाँ आ सकते हैं? हाँ, ये यहाँ पे देखिए, यहीं पे सारा कुछ बनता है ना, अंदर से देखा चूल्हा है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे चूल्हा है पूरा एकदम धाक धाक वगैरह, यहाँ पूरा इनका मतलब है, यहीं से प्रसाद बनता है, चाहे वो बाल भोग हो। अच्छा, अभी भगवान शंकर को भोग लगेगा रोज सुबह में और शाम में, भगवान शंकर को भोग लगे उसके बाद ये प्रसाद शुरू हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। भंडारी बाबा का कहना है कि बाल भोग कर ही लीजिए, बाल भोग यानी मतलब सुबह का नाश्ता। और ये इनका भी सहयोग है, आप नहीं रहते तो हम पूरा मंदिर नहीं घूम पाते। हम ऐसे सोच रहे थे कि कभी आएंगे कैमरा लेके प्रोफेशनली तो पूरा मंदिर घूमेंगे, लेकिन अब आज अचानक से आप मिल ही गए हैं, तो आज अब हम लोग भी थोड़ा सा बाल भोग आज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब आ गए हैं मंदिर में तो प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग बाहर से आए हैं, अब यहाँ पे बाल भोग हम लोग करेंगे। और ये अभी हम यहाँ बाल भोग कर रहे हैं और उसके बाद मंदिर आपको घुमा दिए, फिर पॉसिबल होगा तो बाहर से भी मिलेंगे। और छोटा सा डॉक्यूमेंट्री इसको बनाएगा, नेक्स्ट टाइम हम बहुत बड़े लेवल पे आने वाले हैं, बहुत बड़े स्केल पे आने वाले हैं, सुपरस्टार बनने वाले नहीं, मतलब अपने जिला का है तो बात होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अब हम लोग बातों ग्रहण करेंगे। गौशाले का जो है दूध से जो दही बना हुआ था उसका दही चूड़ा और आम का अचार हमने बाल भोग किया है। और यही लोग जो भंडार घर में लगभग सारा चीज़ देखते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ कितना लोग लगभग आ जाते होंगे, 500-700 रोज आ जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? कपिल देव जी हैं। आपका? जीवदास जी हैं, ये भी वहाँ पे थे जब हम बाल भोग कर रहे हैं। तो आपका बाबा? हमारा नाम रामशी सहनी जी। और आपका बाबा? बिंदेश्वर दास जी। तो ये नहीं आप लोग, अच्छा मतलब आप लोग तो बहुत दिनों से मंदिर के बारे में जान रहे होंगे। ये मंदिर के कैंपस में ही है, हम सारे मतलब जो बाबा लोग थे उनसे बात कर ली, एक बाबा बच गया थे, इनका कहना है कि हमें कहा छोड़ दिया, आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम। आपका क्या नाम हुआ बाबा? सौदागर दास। सौदागर दास जी, आप भी यहीं पे रह रहे हैं, मतलब ये भंडारण भवन
मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, आपको क्या कोई आइडिया है कि क्या क्या चाहिए मंदिर में? अच्छा लगता है मंदिर में रह के आपको? हाँ, शांति मिलता है, सुख शांति ना, बहुत बढ़िया लगता है। हमारे साथ रमेश भाई, रमेश भाई आप बताइए, इन लोगों से तो हम बातचीत कर लेंगे, मंदिर में क्या जरूरत है, मतलब क्या लगता है कि अभी क्या कमी रह गया? मंदिर में अभी जो इसको पर्यटक रूप में होना चाहिए, होना चाहिए, वो पुरानी बिल्डिंग है उसको भी थोड़ा सा रिनोवेट होना चाहिए। और जब सरकार है और मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था मतलब है, तो इसको और बढ़ाना चाहिए। सीतामढ़ी जितने भी जो पर्यटक स्थल उसमें नहीं मिलेगी, प्रमोट भी करना चाहिए, और सोशल मीडिया जो यूज करते हैं उसे भी हम कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे घूमने हैं तो इसका फोटो वीडियो जो भी हो आप डालें और लोग को बताएं कि यहाँ पे आए। तो आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नवनीत भाई हमारे बहुत बढ़िया लगे, नवनीत भाई मिल गए, नहीं तो आज सही में बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए, क्लासमेट भी है, क्लास में हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं और दूर आदमी का पेट निकल रहा है, हालांकि कैमरामैन का भी है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, ये दिक्कत कैमरामैन वाले का फायदा ये आप। और बताया आप मतलब अच्छा है कि आप भी मिल गए, नहीं मिलते नहीं देख पाते, हाँ वैसे ही चले जाते हैं। और अगली बार इस वक्त तो नॉर्मली अगली बार पक्का पूरे प्रोफेशनल के साथ आएंगे और आपको कॉल करेंगे, पूरा हमें घुमाते हैं। आज यहीं पर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, जय।